नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पीतमपुर के सर्व समाज द्वारा राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष हिंदू वीर देशभक्ति राजपूत समाज के गौरव श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की निर्मम हत्या के विरोध में सर्व समाज पीतमपुर में महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर श्रद्धांजलि अर्पित की एवं सुखदेव सिंह के हत्यारों को पकड़ने के लिए एवं उन्हें कठोर से कठोर दंड देने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन थाना प्रभारी संतोष दूधी को सौंपा गया। राजशेखर शास्त्री की रिपोर्ट। मोहन सिंह सिसोदिया ने बताया कि सर्व समाज के प्रतिनिधि स्वरूप कुलमी पटेल समाज से देवेंद्र जी पटेल एवं ब्राह्मण समाज से प्रदीप द्विवेदी रमेश चंद्र मिश्रा धाकर समाज से राजेश चौधरी एडवोकेट रघुवंशी समाज से धीरेन्द्र रघुवंशी एवं राजपूत समाज से शिवपाल गौड़ श्री कल्याण सिंह चौहान गिरधारी सिंह भगवान सागर रणजीत सिंह ठाकुर कुंदन सिंह पवार अखिल भारतीय छत्री महासभा के अध्यक्ष लाखन सिंह चौहान रोहित मेवाड़ा राम अवतार यादव जितेश मिश्रा रणजीत ठाकुर विनायक गज्जू पत्रकार सत्यनारायण राठौर पत्रकार राजशेखर शास्त्री अमित अतुलेकर निश्चित रूप से इतिहास लिखा है और उसी कड़ी में महाराणा प्रताप जी के बाद यदि किसी ने सर्व समाज के लिए कोई आवाहन किया था और उस आवाहन पे अपना बलिदान दिया है तो उन्होंने जीते जी एक ऐसी प्रेरणा छोड़ी थी कि एक सुखदेव सिंह यदि जाएगा तो मैं समाज को 500 सुखदेव सिंह खड़े करके जाऊंगा। तो निश्चित रूप से भारत माता के लिए भारतीय संस्कृति के लिए हम सब में एक सुखदेव सिंह को जिंदा रखना है, यही उनसे प्रेरणा लेना है और इसी रूप में हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। यही इसी के साथ मैं उन्हें नमन करता हूँ। उनकी मृत आत्मा को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम सब लोगों को प्रेरित करें। अमर राजपूत समाज के एक रत्न थे, राजपूत समाज के वीर योद्धा थे जिन्होंने राजपूत समाज नहीं समस्त हिंदू समाज को एकजुट करके और देश के लिए धर्म के लिए गौ के लिए गंगा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और बोले भारत माता की जय। सुखदेव जा रहा हूँ तो हजारों सुखदेव इस भारत माता के लिए भारत भूमि के लिए राजपूत समाज के लिए और हिंदू समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए बंधुओं आज इस वास्तव में इससे सबूत चाहते तो राजनीति में आकर बहुत कुछ बन सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, समाज की राजनीति करके विधायक मंत्री एमएलए बन सकते थे, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं समाज उत्थान के लिए काम करूंगा, समाज सेवा के लिए काम करूंगा और ये संकल्प लेकर वो अपना पूरा जीवन जी रहे थे। बंधुओं आज निश्चित रूप से भारत ने अपना एक लाल खोया है और राजपूत समाज ने एक मणि मुकुट का हीरा खोया है। मणि मुकुट ऐसा रत्न खोते आज इसकी राज नारायण यादव मौजूद थे। पीतमपुर से खबर समय जगत के लिए राजशेखर शास्त्री की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।